हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोग्रोजी। फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इन्फिनिक्स के नए स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 12 आई के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह एक लो बजट का स्मार्टफोन है और लो बजट में काफी अच्छे अच्छे फीचर स्मार्टफोन में मिल रहे हैं। तो चलिए स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की ओवरव्यू दिखा देते हैं। देख रहे दोस्तों, सारे ओवरव्यू एक लिस्ट के जरिए आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब बात करते हैं एक एक करके स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर की। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। 6.82 इंच की एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको स्मार्टफोन में मिलने वाली है और डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट दोस्तों काफी अच्छी है, जो कि 90 हर्ट्ज की है। और यह डायनेमिक रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलेगा, जो कि स्क्रॉलिंग के हिसाब से अपने आप एडजस्ट होने वाला है। कलर वेरियंट की बात करें तो इस स्मार्टफोन को दो कलर वेरियंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला कलर है दोस्तों ब्लैक और दूसरा कलर है व्हाइट। दोनों कलर दोस्तों काफी अच्छा है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो वैसे तो इस प्राइस पॉइंट पर अच्छा प्रोसेसर मिलना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपको इसमें गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है मीडियाटेक हेलियो G85 का, जो कि आप इस स्मार्टफोन से गेमिंग भी काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बैटरी के मामले में दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलने वाली काफी बड़ी बैटरी है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है, जो कि स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छा है। रैम वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। रैम को आप वर्चुअल रैम के जरिए 3GB तक बढ़ा सकते हैं, जो कि रैम आपकी हो जाएगी 7GB की। कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन के बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलने वाला है। वैसे कैमरा मॉड्यूल काफी अच्छा है। इसमें पहला सेंसर 50 MP का है, 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2 MP का एक डेप्थ सेंसर लगाया गया है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो 8 MP का आपको इसमें सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और हाँ, इसके बैक में आपको अल्ट्रा नाइट विजन कैमरा दिया गया है, जो कि काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नाइट में भी निकाल कर देता है। तो दोस्तों, कैमरा डिपार्टमेंट में भी दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी अच्छा निकल के आता है। इसके साथ साथ इस प्राइस पॉइंट में डुअल स्टोरेज स्पीकर मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर भी मिलने वाला है। दोस्तों, फीचर के मामले में काफी बेहतरीन फीचर है स्मार्टफोन में और काफी अच्छे अच्छे फीचर स्मार्टफोन में दिए गए इस प्राइस पॉइंट में। वैसे तो सभी फीचर मिलना काफी मुश्किल होता है। बात करें इसके OS की, इसमें आपको XOS मिलेगा 10.6, जो कि Android 12 पर रन करता है, जो कि काफी अच्छी स्मूथ स्क्रॉलिंग देता है। वैसे तो बाकी स्मार्टफोन ब्रांड के मुकाबले यह OS थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फिर भी यह OS काफी अच्छा बेहतरीन अपने आप को इंप्रूव करता जा रहा है। इसके साथ मोस्टर गेम किट इसमें आपको मिलेगा। वैसे तो आपको पहले बता चुका हूँ, यह जो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो गेमिंग प्रोसेसर है लो बजट स्मार्टफोन के लिए। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो भी फीचर आपको इसमें अभी तक हमने बताया है वो काफी अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट में ऐसे ऐसे फीचर काफी कम स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट की। प्राइस पॉइंट दोस्तों यह है कि स्मार्टफोन को सिर्फ 9,999 रुपये में लॉन्च किया गया है और 9,999 रुपये में भी आपको 1,000 रुपये का एक जियो ऑफर दिया जा रहा है। तो इस स्मार्टफोन की कीमत फाइनली पड़ जाती है 8,999, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इस प्राइस पॉइंट में ऐसे ऐसे फीचर काफी कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। वैसे इन्फिनिक्स ने पिछले एक साल से काफी इम्प्रेस किया है स्मार्टफोन के जरिए लो बजट स्मार्टफोन लेने वाले यूजर को टारगेट किया गया है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आपको एक लो बजट स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, काफी अच्छा आपको लगेगा ये स्मार्टफोन। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।